दबंग! नहीं बख्तावर, नहीं, ऐसा मत करना। मैंने इन बच्चों को बहुत प्यार से पाला और बड़ा किया है, ये बेकसूर है। इन मासूमों ने तेरा क्या बिगाड़ा है? तुम्हारी हमारी लड़ाई में इनको क्यों बीच में ला रहे हो? 15 साल से मैं यही सवाल तुमसे पूछना चाह रहा था, क्या बिगाड़ा था मेरी बीवी ने तुम्हारा? क्या बिगाड़ा था मेरी नन्ही बच्चों ने तुम्हारा? क्या दुश्मनी थी तुम्हारी उनसे जो जलाकर आग में फेंक दिया तुमने? मैंने मैंने तुम्हारे परिवार को जला दिया? नहीं बख्तावर, नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। मैं ऐसा घिनौना काम नहीं कर सकता हूं बख्तावर। झूठ बोल रहे हो तुम। तुमने मेरे उस आदमी को भी मार डाला जो मेरा पैगाम लेकर तुम्हारे पास आया था। नहीं, मैंने उसे नहीं मारा। मैं भला उस आदमी को क्यों मारूंगा जो मेरे परिवार के बारे में खबर लेकर आएगा? उसे मारा उस आदमी ने जो नहीं चाहता था कि तुम और मैं मिले। मिल जाते तो उसका राज खुल जाता। मारना तो मैं तुम्हें चाहता था, मैं तुम्हें मारना चाहता था बख्तावर। उस दिन जिस दिन तुमने मेरे मां और बाप का खून करवाया था, उस दिन जिस दिन तुमने मेरे दोस्त का कत्ल किया था, मार देता तो अच्छा होता, मुझे कम से कम यह दिन तो ना देखना पड़ता। लेकिन उस दिन मेरे हाथों को कत्ल के इरादे से रोकने वाला एक दोगला इंसान था। उस दोगले इंसान का नाम है गिरधर। गिरधर ने तुम्हारे आदमी को मरवाया। वो गिरधर था जिसने मुझे हमदर्दी दिखाकर इस गोदी से भाग जाने के लिए कहा। वो गिरधर था जिसने तुम्हारी तिजोरी लूटी। वो गिरधर था जिसने तुम्हारे सारे खानदान को जलाकर राख कर दिया और पुलिस फाइल में लिख दिया कि वो काम मैंने किया है। गिरधर बख्तावर, गिरधर! झूठ बोल रहे हो तुम। गिरधर ऐसा कभी नहीं कर सकता। वो मुलाजिम था मेरा, गुलाम था, मेरे फेंके हुए टुकड़ों पर पलने वाला कुत्ता था वो, कुत्ता। इस कुत्ते को जो जमीन पर फेंके हुए टुकड़ों पर पला है, आज मक्कारी और बेईमानी के पर लगाकर आसमानों पर उड़ रहा है। यही है वो रंग बदलने वाला क्रिकेट जिसने मुझसे दोस्ती करके मेरी पीठ पर छुरा फोंक दिया और तेरा नमक खाकर तेरे सारे परिवार को जलाकर राख कर दिया। यही यही वो गिरधर। ये बात सच है कि जिसके पास अकल और ताकत होती है, हुकूमत भी उसकी होती है। पहले मेरे पास अकल थी, अब मेरे पास ताकत है, और अकल का इस्तेमाल करके मैंने तेरे को और तेरे परिवार वालों को जला दिया था। ये बता रहा कि तेरी किस्मत अच्छी थी इसलिए तू बच गया, और टाइगर तेरी भी किस्मत अच्छी थी इसलिए तू भी बच गया, वरना जिस ट्रेन में तू जा रहा था उस पर मैंने गोली चलाई थी, ट्रेन फूट गई लेकिन तू नहीं फूटा। लेकिन साड़ो अब तुम दोनों फूटोगे। नमक हराम। नहीं टाइगर, आज चालाकी नहीं, आज चालाकी नहीं, आज मेरा दिन बड़ा अच्छा है। एक तो टपका दिया, अगर तैने ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश की तो मेरे आदमी तेरे को भी गोलियों से भून देंगे, इसलिए आज हिलना नहीं। अब तू आखिरी बार भगवान को याद कर ले और अपनी फैमिली वालों को देख ले। तेरे पास टाइम ज्यादा नहीं और मेरे हाथ में रिमोट कंट्रोल है। अब मैं जैसे ही हेलीकॉप्टर में जाऊंगा ये रिमोट कंट्रोल दबाऊंगा, तू अपने परिवार वालों के साथ बम के धमाके के साथ एक तिनके की तरह उड़ जाएगा। हम तो उड़ जाएंगे गिरधर, लेकिन तेरे पीछे मौत के दो फरिश्ते छोड़ जाएंगे। मेरे दो शेर, दो भाई, वो अभी जिंदा हैं। ये देख गिरधर, हम सब इस हाथ की 5 उंगलियां हैं। उंगलियां काट देने से हाथ नहीं कट जाता। जब यह हाथ मुट्ठी में बनेगा तो दुनिया की कोई भी ताकत इसका सामना नहीं कर सकेगी। तू चाहे पाताल में छुप जाए,
या आकाश से किसी कांटे से लटक जाए, हम तुझे वहां से भी निकल जाएंगे और ऐसी मौत मारेंगे कि एक बार मौत को भी पसीना आ जाएगा। देखते हैं जी।
bastard! मेरी डॉल। मैं नकली हूं, वो असली हूं। ओह, क्यों? जनरल की एक्टिंग करने में मजा आया? नहीं सर, मैं तो गरीब एक्टर हूँ, पेट के लिए और थोड़ा मजाक के लिए किया था। देश से मजाक करते हुए शर्म नहीं आता? सारो बात हो गया, हंसी मजाक में तो गोली मार दूंगा। इतनी आसानी से नहीं हारूंगा मैं बाजी। ले जाओ सारा हेलीकॉप्टर। ज्योति बम चिक चिक बम चिक बम बम बम।